कहा कि नफरत के निवालों को हम कैसे उठा लेंगे। सीमांचल के लोग इन शेर की कदर करना कि नफरत के निवालों को हम कैसे उठा लेंगे। तुम प्यार से तोगे तो हम जहर भी खा लेंगे। नफरत के निवालों को हम कैसे उठा लेंगे। तुम प्यार से दोगे तो हम जहर भी खा लेंगे और बच्चों को सला देंगे सूखे हुए हिस्से पे। बच्चों को सला देंगे सूखे हुए हिस्से पे। भीख के बारिश में हम तकलीफ उठा लेंगे। भीख के बारिश में हम तकलीफ उठा लेंगे। शुक्रिया भाई। और बीमार भिखारी से बीबी ने कहा उसकी, बीमार भिखारी से बीबी ने कहा उसकी, बस एक ही रोटी है मिल बांट के खा लेंगे। बस एक ही रोटी है मिल बांट के खा लेंगे। मैं जानता हूं कि आप किस तरह की शायरी सुनना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह मैं हाई पावर का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा देर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आप बर्दाश्त कीजिए। इंशाल्लाह मसूद अकरम अपने औकात में आने की कोशिश करता है कुछ देर के बाद। इस वक्त मेरे डाइस पे कोलैया जुबान के एक बड़े मशहूर शायर जो कभी कभी उर्दू को छोड़ते हुए उर्दू में शायरी सुनाना शुरू कर देते हैं और माशाल्लाह कोलैया जुबान में बड़े फेमस है, बड़े मशहूर है, बड़े भाई अब्दुल बारी जख्मी साहब। आइए मैं इसे 5 मिनट के लिए माइक पे जहमत देता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपके मेहमान शायर इंशाल्लाह जो कि मेरे मेरे शोरा है इंशाल्लाह आपकी खिदमत पे होंगे। आइए इस वक्त आप अब्दुल बारी जख्मी साहब का माइक पे जोरदार तालियों के गुण का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम बोलो नहीं। हाँ बहुत शुक्रिया। देखिए वो कबीर दास ने एक शेर कहा था, तभी से मैं सुन रहा हूँ, सुनते सुनते वो अचानक एक शेर आया कि दुनिया कितनी बावरी पत्थर पूजे जाए है, दुनिया कितनी बावरी पत्थर पूजे जाए है, और घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका आटा खाए है। भाई शेर मुलाहजा फरमाए कि सुना दे दर्द दिल ऐसा कि आह आह हो जाए, सुना दे दर्द दिल ऐसा कि आह आह हो जाए, यही एक शोर दुनिया में गाह गाह हो जाए, सुना दे दर्द दिल ऐसा कि आह आह हो जाए, यही शोर दुनिया में गाह गाह हो जाए, मचल कर इस तरह जख्मी गजल तुम आज पढ़ जाओ जिसे सुनकर भरी महफिल में वाह वाह हो जाए। भाई मैं अभी कहा था ना, घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका आटा खाए है, तालियां नहीं मिली, समझे ना, क्योंकि मैं घर की मुर्गी हूं, है ना। मुर्गा लोग आए हुए हैं भाई, मुर्गा बनाइएगा उसको आप लोग। क्या कहने हैं एक शेर जी। मेहमान शायरा हमारे दरमियान मौजूद हैं, बतौर खास एजाज में इनके हवाले कर रहा हूं शेर, मुलाहिज़ा फरमाएं तमाम हज़रात। तुझको पवन कहूं या मैं कहूं हवा, आए हाय हाय, तुझको पवन कहूं क्या कहने या मैं कहूं हवा, महफिल में सबके आगे बता दे खुले सबा। क्या कहने भाई, भाई जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां हो जाए जी। तुझको पवन कहूं या मैं कहूं हवा, हवा महफिल में सबके आगे बता दे गुले सबा, हुस्नो जमाल पर तो हर एक शेर फिल बदी, हुस्नो जमाल पर तो हर एक शेर फिल बदी, जो गौर से सुनेगा आ जाएगा मजा। हाय 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 हाय, क्या कहने। शुक्रिया सामईन। चार मिसरे मैं पढ़ता हूं, उसके बाद चूंकि गाफिल साहब के नाम यह मुशायरा मंसूब है तो कुलैया शायरी को सुनाना मैं ज्यादा मुनासिब समझता हूं, इंशाल्लाह आप लोगों के दरमियान मैं उसको रखूंगा। दो शेर पहले आपकी अदालत में हाजिर करता हूं। मुस्कान बेटी मुस्कान के नाम जे, वो मैसूर की बेटी, इस्लाम की बेटी, अभी हिजाब पे जो मामला हुआ था आप सब लोग जानते हैं, बतौर खास उनके हवाले से शेर पेश करता हूं जी। इरशाद पढ़े। इस्लाम फख्र करता है जिस जन पे सुबह शाम, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद।
इस्लाम फख्र करता है जिस जन पे सुबह शाम, इस्लाम फख्र करता है। इस्लाम फख्र करता है जिस जन पे सुबह शाम, इस्लाम फख्र करता है जिस जन पे सुबह शाम। वो दुख्तरे सुमैया है मुस्कान जिसका नाम, वो दुख्तरे सुमैया है मुस्कान जिसका नाम। शेर मुलाहजा फरमाए, घर से हिजाब ओढ़ के निकली जो शेरनी, घर से हिजाब ओढ़ के निकली जो शेरनी, कुत्ते निकल के आए लगे भौंकने, कुत्ते निकल के आए लगे भौंकने तमाम। जख्मी साहब बहुत शुक्रिया, हाय 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 हाय, जख्म देके ना जाइएगा। हमारे यहाँ हिजाब है, बहुत शुक्रिया, हमारे यहाँ हिजाब है। हमारे बिरादर वतन के पास भी एक चीज है जी हाँ, वो उनके यहाँ घूंघट है, घूंघट घूंघट। हमारे यहाँ हिजाब, उनके यहाँ घूंघट है। अच्छा अच्छा, घूंघट के हवाले से बतौर खास से शेर इरशाद पढ़े। तहजीब हिंद कहती है चीखो पुकार के, तहजीब हिंद कहती है चीखो पुकार के, बर्बाद ना करो मुझे रखो सवार के, बर्बाद ना करो मुझे रखो सवार के। है बाहया जहान में, है बाहया जहान में भारत की बेटियां, है बाहया जहान में भारत की बेटियां। हरगिज चले न राह में घूंघट उतार के, करे भाई अच्छा चले न राह में घूंघट उतार के। भाई मैं वो तेल व मसालेदार मैं शायरी नहीं करता हूँ, हालात की मंजरकशी करता हूँ, और मैं जरूरी भी है भाई, आप लोगों को चाहिए क्या आज के हालात में, वो जरूरी भी है जी। वैसे यहाँ पर कुलैया जबान बोलने वाले लोग और समझने वाले लोग हैं, इनको मटेरियल क्या चाहिए? देखिए जख्मी साहब, आप कुलैया जुबान वाला मटेरियल दीजिए, बाकी जो इनकी मन की बात है इंशाल्लाह वो करने के लिए मेरे पास दो दो अभी नमूना है जी इंशाल्लाह, अभी कुछ देर के बाद वो पेश होंगे। अपने कुलैया जबान की पसीराई करते हुए हमने कहा था कभी कि हकीकत ये कहता हूँ सुन ले तू भैया, क्या कहने, हकीकत ये कहता हूँ सुन ले तू भैया, है शीरी जबान ये जबान कुलैया। भाई अपने जुबान पे तालियां वालियां बजा लीजिए, ताले बजा दो भाई, जिंदाबाद। तकाबुल कोई भी ज़बां क्या करेगी, तकाबुल कोई भी ज़बां क्या करेगी, है खुशबूए उल्फत ज़बाने कुलैया। वाह वाह वाह, ये देखिए कुलैया जुबान, शुक्रिया भगवान वाले लोग हैं जी। और देखिए मैं कुलैया जबान में अक्सर जलसों में या मुशायरों में जाता हूँ, तो हालत के मंजर कशी करते हुए मैं नज्म पेश करता हूँ। शेर मुलाहजा फरमा, आजकल नशे का माहौल चला हुआ जी, बिल्कुल जी हाँ, और उस नशे के हालात को मैंने कलम बंद किया है। शेर मुलाहजा फरमा, उसके बाद मैं अपनी जगह। देखिए जख्मी भाई, हालात को देखते देखते थोड़ा सा डबल इंजन को भी कभी कभी देख लिया कीजिए, वरना गड़बड़ हो सकता है जी। जी आप इत्मीनान रखें जी। शेर मुलाहजा फरमाए, नेटरा भेड़ गोली क्या सब जाना चाहो। हाँ सुना है, वो एक जगह हमें जलसाम जेते रही है, तो हमर संगम दोस्त रहे, हमर बोले चलिए जख्मी साहब चाय पीते हैं, तो जिस दुकान में चाय पीने के लिए गए, तो उस दुकान में खातून चाय बना रही थी, तो मैं मीठी चाय पीता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि दैया मिठो चाप रही है मिठो,
तो वो मिठो नाम सुनी के की बोले मौली साहब तो हूँ गोली खचा किया क्या कहने भाई बाबा बाबा मगले है हमें गोली तोली न खची बस ते मिठो चाय बना दे वो मीठी चाय पी के जैसे मैं निकला हूँ तो मौलाना ने कहा कि आप इस पे कुछ लिखिए गांव आया गोली खाने वाले एक लड़के को मैंने तलाश किया तो मिल गया तो मैंने कहा बहू यहाँ पे बोले की बोले छा मौली साहब हमें कहिए एक बात बता जे गोली ते सब खे छा वो गोली का नाम की छी तो वह बच्चा बोले छी कहने वाली साहब तो खबा की खो ते नाम बता दे तो बड़ा बेशरम भैग बोले जी नेटरा भेट तो नेटरा भेट के हवाले से शेर मुलाहजा फरमा सकते हैं इरशाद हो इरशाद हो देवेली जैसी चावक बिल देवेली जैसी चावक बिल क्या कहने वहां ने लेची फैंसी डील हाय 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 क्या कहने भाई देवेली जैसी चावक बिल वहां ने लेची फैंसी डील नहीं मिले छी जब फैंसी डील माथो भेजे छी उकट डील वहां ले छी फैंसी डील नहीं मिले छी जब फैंसी डील माथो भेजे छी उकट डील ले छी फिर वो नेटरा भेट खेका भेजे छी बड़का से हाय 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 क्या कहने भाई बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद ले छी फिर वो नेटरा भेट खेका भेजे छी बड़का सेठ हिले छी फिर डोले छी क्या कहने अकट बकट वो बोले छी अच्छा सही बात बोले छी जिंदाबाद तो ताली बजावा ने हां क्या कहने भाई बब्बा बब्बा हिले छी फेट डोले छी अकट बकट वो बोले छी फुटपाथ पर सुते छी मुंह में कुत्ता मुते छी क्या कहने भाई बब्बा बब्बा जिंदाबाद जिंदाबाद हाय 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 हिले छी फेट डोले छी जी अकट बकट वो बोले छी फुटपाथ पर सुते छी मुंह में कुत्ता मुते छी नशा से करब है तौबा बढ़िया ने छी दवा क्या नशा से करब है तौबा बढ़िया ने छी दावा मन ने ते जख्मिक बात रखिया एक एक बोली याद खेका गिरती गुहा मा कुत्ता मुत्ती मुहा मा हाय 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 के सब गोली खावा हाथ उठावा था हो क्या चपड़ने भाई बब 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 क्या तर्जमानी किया भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जोश में उठा दिया हकीकत ई बोले छी हमें यहाँ समाज में बिगड़ी गिली नौजवान हया वो शर्म सब खत्म भे गिली धोए का ई शैतान सब ले गिली न डोरे न लाजे न धखे धर्म न डोरे न लाजे न धखे धर्म बेलज्जा ई नंगटा न है छ हजम बेलज्जा ई नंगटा न है छ हजम खेखावे छी डगड़ी पर बेटी सिनी अकेलक टुअर लड़की सिनी ई कोन गीत गावे छी बच्चा सिनी फुलहरी बिना चटनी कैसे बनी क्या कहने वब ये कौन गीत गावे छे बच्चा सिनी फुलहरी बिना चटनी कैसे बनी संगे संग देखे छी सबे कुए कहे कहने कुछ भी के करो कुए किरण भए गेली ई जमाना खराब भेजल कहे छ अल्लाह मियां की अजाब भेजल कहे छ अल्लाह मियां की अजाब शेर मुलाहजा फरमा यहां से पढ़े कि खुले छ सईवान जहने दुकान चावक दुकान जिंदाबाद फूले छी सईवान जहने दुकान जय जय का बैठे छी सब नौजवान पिए छी दावा वो खे छी गोली खे का बोले छी वो नम्मा बोली हाय हाय पिए छी दावा वो खे छी गोली खे का बोले छी वो नम्मा बोली झूमते अफड़ते वो सुती गली अच्छा झूमते अफड़ते वो सुती गली देखी का लागे छी फोटी एली हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जुमते अफड़ते वो सुती गिली देखी का लागे छी फोती एली होशा में कुछ भी रहले अगर कोनो भी रन का वो आबे छी घर शेर मुलाहजा फरमाए और बहुत जबरदस्त शेर सुना रहा हूँ किसी काबिल लगे तो तालियों से हमारा इस्तकबाल कीजिएगा होशा में कुछ भी रहले अगर कोनो भी रन का वो आबे छी घर द्वारी से डढ़िया पर चहने एली अपड़ी का गिरले वो कै भै गिली तखनी महकली वो गोली दवा क्या कहने अफड़ी के गिरले वो कै भे गिली तखनी महकली वो गोली दवा मोगी तो बोली है लोग कोई हवा आय हाय हाय क्या कहने भाई जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत शुक्रिया तखनी महकली वो गोली दवा मोगी तो बोली है लोग कोई हवा और उठी का पुठी का जमल के वो धाक उठी का पुठी का जमल के वो धाक दे दिल की बीवी का तीनों तलाक दे दिल की बीवी का तीनों तलाक वो गोटो परिवार बिखरी गली आहा हाय 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 क्या कहने भाई देखिए जख्मी साहब बहुत
जख्मी साहब आप कामयाब हो गए, मुशायरे में आपको इनाम मिल गया भाई, कामयाब हो गए आप जी भाई। 999 रुपए कम 1000 रुपए का इनाम आया है, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। असल में जो 999 कम है वो मोदी जी देंगे आपको कल अकाउंट में जी। वो गोटो परिवार बिखरी गिली, बने लो उकर घर उजड़ी गिली, बने लो उकर घर उजड़ी गिली। जब वो मियाँ होश में आया तो सुबह को अपनी औलाद को उधर तड़पता पा रहा है, उधर बीवी को रोती बिलकती देख रहा है जी हाँ, और सारा निजाम तरहम बरहम हो गया। होश में आने के बाद क्या बोलता है, एक शेर बोल के अपनी जगह वापस लेता हूँ मैं बतौर खास मुलाजा फरमा। होश में बोले लगली, होश मैली तो बोले लगली, बहन आपन वसरा पाए हाय 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 हाय। होश मैली तो बोले लगली, बहन आपन वसरा पर, आफत गिरला भैया हो, खुदरा खुदरी बच्चा पर, आफत गिरला भैया हो, खुदरा खुदरी बच्चा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।